क्या आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और राजनीति में आप किसी भी उच्च पद पर जा पहुंच गए हैं या आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं या किसी भी तरह से आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आप अपने कार्य को करने के लिए जुनून की हद तक चले जाते हैं, आप खोजी हैं, आप जब तक उस चीज को खोज नहीं लेते तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते, यानी कोई भी एक मन में जिज्ञासा उठी उसको आपको जानना ही जानना है, जो वो किसी भी माध्यम से आप जानना चाहते हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से या किसी से बातचीत के माध्यम से, या आपके अंदर भी अपनी चाहतें बहुत अधिक हैं, आप चाहते हैं ऊपर उठना, आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप अमीर बनना या जल्दी से जल्दी सफलताएं हासिल करना, इसके साथ ही या आपके घर में कलह का वातावरण बहुत अधिक रहता है, या पति पत्नी में बनती ही नहीं है, या आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, या बार बार आपको रोग बीमारियां हो रही हैं, रोग हो जाते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं, आप टेस्ट पे टेस्ट कराते चले जाते हैं फिर भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है और आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है, या आप सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, उठने का बहुत आप डेली आप एक रूटीन बनाते हैं कि कल से आप ये करने वाले हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, आपके बहुत अधिक नाखून झड़ रहे हैं हाथों के पैरों के, या आपको नाखून चबाने की आदत है, या आपके खाने में बाल निकल रहा है, या आपके खाने में कंकड़ निकल रहा है। तो आज इसी विषय पर बताने वाली हूँ ये किस ग्रह की वजह से हो रहा है और आपको अब क्या करना चाहिए, इसको कैसे आप शुभ बना सकते हैं और कैसे इसकी अशुभता को आप समाप्त कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी ऐशो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, नियमित मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो के आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दूंगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए और साथ में कीजिए, एक हफ्ते के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा, आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, यानी कि मेंटल डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका जो दिमाग आपका स्टक हो जाता है, यानी सोचने समझने के लिए दिमाग एकदम चौक हो जाता है, आप सोच ही नहीं पाते हैं अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, उसके लिए आपको मार्ग मिलने लगेंगे। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या आप अब तक मेरे चैनल को, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, एक जो मायावी ग्रह है वो है राहु। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पावरफुल ग्रह इसको माना गया है। नौ ग्रहों में जहां सूर्य को राजा बताया गया है, जहां शनि को न्यायाधीश बताया गया है, गुरु को गुरु की पदवी प्राप्त है, शुक्र को वैभव की पदवी प्राप्त है, चंद्रमा धन और मन का कारक है, तो वही राहु ये आपके जीवन में अदम्य साहस भी लाता है, चीज़ें अचानक से घटित होती हैं, जैसे आप देखते हैं पिक्चर पर एकदम से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी चीज़ें बदलने लगती हैं, अचानक से आपके सफलताएं मिलती हैं लेकिन जाते जाते राहु आपसे वो सफलताएं छीन भी लेता है किसी ना किसी कारण से, क्योंकि तब आपको अपने ऊपर घमंड यानी अपने ऊपर प्राउड होने लगता है, आप सोचते हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये सब कुछ आपके दिमाग की उपज वो राहु कराता है आपसे। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं तब आपके अंदर वो दंभ आ जाता है, कुछ आपकी ऐसी गलत बयानबाजी या मतलब आपके बोलने का तरीका कुछ इस तरह की, या अपने नीचस्थ लोगों के साथ में कुछ आपका ऐसा व्यवहार हो जाता है कि जैसे ही ये राहु जाने लगता है पटकनी देकर आपको वापस सारी चीज़ें आपसे छीन कर ले जाता है। तो ये राहु कितना महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली के लिए, क्योंकि राहु और केतु सम सप्तक चलते हैं, जहाँ राहु होता है उसके जस्ट सामने खाने में केतु होता है, और राहु केतु ही एक राक्षस के एक धड़ है और एक सिर है, इन्हें सर्प भी बोला जाता है, जो राहु सिर है और केतु उसकी पूंछ है। राहु आपको अचानक से अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर कर देता है, आप अच्छे भले एक किसी सही रास्ते पर चल रहे थे, जब भी आपका केतु राहु खराब होगा, आप सही मार्ग पर जा रहे थे 99 पर पहुंच गए थे, अचानक से आपकी बुद्धि पलटती है, क्विक आपका गलत डिसीजन, वापस आप वहीं जीरो पर आकर खड़े हो जाते हैं, बाद में आपको एहसास होता है कि आपने वो जो एक निर्णय था वो आपको सफलता दिला देता और आपने उसी एक गलती को चुन लिया। शेयर मार्केट का कारक भी राहु है, शेयर लॉटरी सट्टा इन सब का कारक राहु होता है, जो अचानक से धन दिलाता है।
राहु आपको अचानक से उच्च सफलताएं दिलाता है और आपको धन भी दिलाता है। आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े होते हैं तो राहु राजनीति का प्रबल कारक है। दशम भाव में जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु होता है वो राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, उच्च सफलताएं दिलाता है। जिनके अष्टम से संबंध बनाता है राहु, ऐसे व्यक्तियों को अचानक से चोट चपेट दुर्घटनाएं होती हैं। ससुराल के साथ में ऐसे लोगों के संबंध हमेशा खराब रहते हैं। ससुराल में चाहे वो लड़की का ससुराल हो तो लड़की का संबंध अच्छा नहीं होगा, लड़के का ससुराल हो तो अपने उसके ससुराल से संबंध अच्छे रहने ही नहीं देता है। लग्न में बैठा हुआ राहु जहाँ आपको खोजी बनाता है, जहाँ आपको जिद्दी बनाता है, आप जिस भी चीज़ को ठान लेते हैं करके मानते हैं, बशर्ते कि वो गुरु की या मंगल की राशि में हो, वो शनि की या फिर बुध इत्यादि की राशि में ना हो। इसके साथ ही ये यहाँ बैठा हुआ, लग्न पर बैठा हुआ राहु आपको बीमार भी बनाता है। सुबह के समय आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी, ब्लड की कमी हमेशा आपकी बॉडी में रहती है, आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं, योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं, उठ जाते हैं उसके बाद फिर आप चाहे सारा दिन लगे रहें फिर आप बैठते नहीं अपने काम को शुरू खत्म करे बिना। अगर सेकंड भाव से राहु आपका संबंध बनाता है तो ऐसे लोगों का अपनी वाणी के जरिए काम खराब होते रहते हैं। यहाँ बैठा राहु आपको धन आगमन के मार्ग में बार बार रोड़े अटकाता है। धन कभी आ रहा है कभी बिल्कुल नहीं आ रहा, अपनी ही गलतियों से आप उस धन का अपव्यय भी कर देते हैं, बेवजह के खर्चे आप करना शुरू कर देते हैं। तीसरे घर में बैठे हुए राहु को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि होती है। अगर आपका भाग्य भाव प्रबल होता है तो राहु भी आपको सफलताएं देता है, यही भाग्य भाव आपका कमजोर होता है तो ये राहु बार बार भाग्य में रोड़े अटकाता है आपके। चतुर्थ भाव से संबंध बनाता है राहु आपका तो ये आपको जनता से मिलने वाले लाभ में कमी कर देता है, माँ के सुख में कमी कर देता है, घर के अंदर का सुख चैन आपका छिन जाता है। अगर ये डिग्री वाइज कम है या कमजोर अवस्था में या पाप ग्रहों के साथ है तब ऐसी स्थिति है। अकेला राहु है और वो आपका कंट्रोल है, डिग्री में ठीक है तो ये आपको सफलताएं देता है, जनता में आपको फेमस बनाता है, जनता से आपको लाभ भी दिलाता है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपकी शिक्षा को बाधित कर देता है। अगर आपकी शिक्षा बाधित नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई एवरेज होगी, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब नहीं। अगर आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो शादी के बाद आपको जो संतान है उसमें होने में बहुत दिक्कत होती है, या तो पहली संतान आपकी अवॉर्ड हो जाती है या फिर संतान के होने में बहुत विलंब हो जाता है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु को अच्छा माना जाता है क्योंकि यह कन्या राशि में होता है। राहु यह कन्या राशि में बैठा हुआ राहु उसकी उच्च दृष्टि 12वें घर पर होती है तो ये आपको शत्रु हंता बनाता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो जरूर होंगे लेकिन मुंह पर सामने आकर बोलने वाला कोई नहीं होगा, पीठ पीछे आपके चाहे जितनी भी चुगलियां होती हों मुंह पर आकर आपसे कोई नहीं बोलेगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपको जिद्दी और क्रोधी बना देता है, पत्नी के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहने देता, छोटी छोटी बातों पर आपकी पत्नी के साथ में लड़ाइयाँ होती हैं, वो छोटी सी ही बात होगी लेकिन वो तिल का ताड़ बना देती है। तो यहाँ आपको अपने राहु को यहाँ भी अच्छा रखने की आवश्यकता होती है। अष्टम का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ससुराल के साथ में संबंध आपके अच्छे नहीं रहने देता है। नवम भाव का राहु आपको भाग्य का फल, क्योंकि नवम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो चाहे वो पापी ग्रह क्यों ना हो वो विवश होता है आपको भाग्य का साथ दिलाने के लिए। हाँ भाग्य की कमी उसमें डिग्री में कम हो सकता है लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलता ही रहता है। दसम भाव का राहु उच्च का माना जाता है, राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, विदेशों से सफलता दिलाता है, विदेश जाने के आपके मार्ग खोल देता है, विदेश से आपको धन लाभ के रास्ते खोल देता है। ग्यारहवें घर का राहु आपको जहाँ विभिन्न रास्तों से धन की तो आवक कराता है, धन लाभ के रास्ते बार 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 आपकी खोलता है लेकिन वहीं आपकी शिक्षा को बाधित कर देता है, आपकी बुद्धि को बाधित कर देता है, साथ में संतान के सुख को भी बाधित कर देता है। बारहवें घर का राहु आपको जहाँ विदेश से यात्रा में आपको सफलता दिलाता है, विदेश का सुख दिलाता है, वहीं आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देता है, आपको बदनामी वाले किसी कांड में फंसा देता है, कोर्ट का कचहरी या पुलिस थाना या फिर आप बीमार बहुत अधिक रहते हैं हॉस्पिटलों के आप चक्कर लगाते रहते हैं। यही राहु आपका अच्छा हो तो आपको ये विदेश यात्रा भी करा देता है और विदेश में आपको जाकर सफलताएं बहुत अधिक मिलती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया राहु किस तरह से आपके ऊपर काम करता है। अब इस राहु को आपको अच्छा कैसे करना है कि जिससे कि राहु आपको सफलता दे। राहु की महादशा होती है तब ये सारी स्थितियां आपके साथ में अचानक से घटित होने लगती हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है।
18 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है आपके जीवन का। तो जब भी आपके ऊपर राहु की महादशा हो, जब आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो ध्यान रखिए कि पहले तो अपने व्यवहार को संतुलित कीजिए। होता क्या है कि व्यक्ति सामने वाले को बदलने में लग जाता है, अपने आप को नहीं बदलता है। ये सबसे बड़ी जो हमारी मिथक है हमारे जीवन की, कि हम सिर्फ सामने वाले को बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं। तो पहले तो अपने व्यवहार पर कंट्रोल कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने गुस्से को पीना सीखिए। दूसरों पर बेवजह आपको क्रोध नहीं करना है, बेवजह आपको चीखना चिल्लाना नहीं है। इसके लिए आपको हमेशा या तो कांच के गिलास से ही पानी पीजिए, या फिर अपने पानी के जो भी आप पानी रखे हुए हैं उसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा डाल दीजिए। अपने रूम में भी आपको एक कांच की बोतल में चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर इसको उत्तर की दिशा में आप स्थापित कर दीजिए, क्योंकि राहु को कंट्रोल करता है चंद्रमा, चंद्रमा से ही राहु कंट्रोल होता है। इसके साथ ही दो पत्ते तुलसी के खाली पेट नियमित खाने से ये राहु की एनर्जी आपकी शांत होने रहती है। पेट में आपके किसी भी तरह का इस तरह की कोई एसिडिटी गैस जो ना बने जिससे कि आप हाइपर हो। राहु की महादशा में आपको नीले और काले कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम इनका प्रयोग करना चाहिए। 99% लोग राहु और की महादशा में नीले और काले कपड़ों की तरफ ही भागते हैं। नीले काले कपड़े आपके अंदर वो एक निगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में ना तो खाना है और ना ही बनाना है। कचरा है अपने घर में नहीं इकट्ठा होने देना है। किसी भी तरह का टूट फूट, टूटे जूते चप्पल, टूटे बर्तन, बर्तनों के हैंडल टूटे हुए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। भले ही आप 4 बर्तन इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह के बर्तन आप इस्तेमाल मत कीजिए। इससे आपका राहु और अधिक आपको दुष्परिणाम देने लगता है। इसके साथ ही अपने घर की सफाई के साथ में अपने घर में हर रूम में आपको कांच की बाउल में नमक जरूर भर के रखना चाहिए। नमक इसको सोख लेता है आपकी नेगेटिव एनर्जी को। उसके बाद इसको आप हर हफ्ते फ्लश आउट कर सकते हैं, महीने में एक बार फ्लश आउट कर सकते हैं, और वापस से आप इसको धोकर नया नमक भर सकते हैं। इसके साथ ही आपको राहु को कंट्रोल करने के लिए आप चाहे तो चांदी की चैन पहन सकते हैं या चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं, अपनी रिंग फिंगर में आप पहन सकते हैं। इसके साथ ही इसका मैं एक आपको अचूक उपाय दे रही हूं, जिसमें आपको रेड कलर के कपड़े में आपको एक मुट्ठी जौ, साबुत वाला जौ, जिससे कि आपको थोड़े से दूध में धोना है, उसके बाद इस लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के अंधेरे स्थान में वजन से दबा कर रख दीजिए। 6 महीने में एक बार इसको पक्षियों को डाल दीजिए, फिर से नया जौ भर के रख दीजिए। इसके साथ ही बड़ों को सम्मान दीजिए, साथ में विधवा स्त्रियों का जरूर सम्मान कीजिए। विधवा स्त्रियों के आप समय समय पर पांव हाथ लगाकर उनको आशीर्वाद लीजिए। कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो आप भेंट कर सकते हो जरूर कीजिए। इसके साथ ही आपको नियमित अपने पहला जो आप खाना खाने जा रहे हैं वो आपका नाश्ता भी हो सकता है, 3 ग्रास निकालिए, यानी गौ ग्रास निकालिए। उन 3 गौ ग्रास को निकालने के बाद ही अपना भोजन कीजिए। उसके बाद इन्हें उठाकर आपको 2 हिस्से आपको पक्षियों के लिए रखने हैं और 1 हिस्सा आपको किसी भी झाड़ी या पेड़ की जड़ में छोड़ देना है चींटियों के लिए। मात्र इतने ही उपायों से आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। जीवन के वो सारे सुख जो आप चाहते हैं यही राहु आपको देने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको माता सरस्वती की भी आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु की देवी माता सरस्वती हैं। जहां राहु आपका प्रबल होता है तो आपको ग्लैमर बहुत अधिक देता है, ग्लैमर की दुनिया में आपको चमका देता है। टीवी, मीडिया, फिल्म लाइन में आपको राहु ही चमकाता है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से राहु को अपना प्रबल करना, तो आपको एक स्टार, चाहे वो चांदी का हो चाहे सोने का, देखिए दोस्तों इस तरह से स्टार आपको दिख रहा होगा, ये स्टार, इस तरह से एक स्टार बनाकर अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं चमकना, उसके लिए चाहे सोने का बनवा लीजिए और चाहे चांदी का, अपने गले में धारण करना शुरू कीजिए। ये राहु आपको और अधिक सफलताएं देने लगेगा और आपको स्टार की जैसी आपको पदवी दिला देगा। साथ में ही राहु का बीज मंत्र होता है ओम रांग राहवे नमः, इसका भी आप सुबह के समय मंत्र जाप किए। राहु का मंत्र बहुत सारे लोग मिथक देते हैं कि संध्या के समय जाप कीजिए। दोस्तों, राहु का मंत्र हमेशा सुबह के समय ही जाप करना चाहिए। मैं डेली आपको अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि राहु काल सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक ही रहता है। राहु का काल दिन में होता है, केतु का काल शाम को होता है। तो हमेशा आपको राहु का बीज मंत्र सुबह के समय ही जाप करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए कमेंट में। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं। यंत्र चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, जानकारियों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।